जोहार नमस्कार। अभी अभी यह खबर आई है कि सातवीं से जेपीएससी परीक्षा की जो मुख्य परीक्षा 28 तारीख से होने वाली थी उसे हाईकोर्ट के द्वारा उस पर स्टे लगा दिया गया है, तो इस विषय में बात करने के लिए सफी मैम हमारे साथ है जो जेपीएससी आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक है। सफी जी, ये हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है और सरकार को कहा गया कि संशोधित रिजल्ट जारी करे, तो कहीं ना कहीं आप लोग का आंदोलन जिस विषय पर था उस पर तो लग रहा है कि हाईकोर्ट का मुहर लग गया है। बिल्कुल, हाईकोर्ट का मुहर लग गया है। अब देखने की बात है कि सरकार क्या करती है, ये परीक्षा कब तक रद्द करती है। इसे परीक्षा को रद्द करना चाहिए, और इससे पहले छठी जेपीएससी में भी इसी तरह से हुआ था। हाईकोर्ट ने कह दिया था कि रद्द किया जाए, लेकिन छठी जेपीएससी को भी सरकार ने रद्द नहीं किया है। ये बहुत उनकी जो है मनसा को दर्शाता है कि ये भ्रष्टाचार हेमंत सोरेन जी की सरकार जो बोली थी कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और जेपीएससी जेएसएससी में भ्रष्टाचार परीक्षाएं जो है भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा लेंगे, लेकिन वो उसके विपरीत काम कर रही है। हर काम जन विरोधी उनका हो रहा है। जेपीएससी का जो है ये बहुत सारा गड़बड़ियां आया है। सातवीं से दसवीं जेपीएससी में नियमावली में गड़बड़ी है, आरक्षण का पालन नहीं है, उसमें उम्र सीमा का छूट नहीं दिया गया है, और एग्जाम होने के बाद जो आया है सामने लगातार रोल नंबर वाले जो पास कर गए हैं, जिसको हम लोगों ने बड़े आंदोलन किया, तो उसके बाद जेपीएससी ने कबूल कर लिया और जितने जो लगातार रोल नंबर वाले सफल हुए थे उन लोगों को भी फेल कर दिया गया है। तो वो जब चाहती है पास कर देती है और जब चाहती है जिसको चाहती है फेल कर देती है। ये वो बहुत बड़ा चूक हुआ था, उसमें बहुत सारा गड़बड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हर स्तर से देखा गया है, और क्वेश्चन जो था हजारीबाग चतरा में आउट होने का भी सबूत हम लोगों ने पेश किया था, तो उसका कोई जवाब उधर से नहीं आया है। इसलिए हम लोग झारखंड के युवा जो है जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग से असंतुष्ट हैं। ये आयोग को अयोग्य मानते हैं हम लोग, और इसको भंग करने की मांग करते हैं। और इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं जो इस गलतियों में, जैसे कोर्ट ने एक मोहर दे दिया कि ये गड़बड़ी हुई थी तभी तो इसके लगाना, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पहली जेपीएससी से लेकर आज तक ये सिलसिला और आगे चलता रहेगा, इन लोगों को डर नहीं होगा। इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि जो अभी है अमिताभ चौधरी जी, इसका अध्यक्ष हैं, जो उनको खेल पे ज़्यादा रुचि है, तो उनको हटाना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जिस तरह से विधि सम्मत हो, क्योंकि वो लोग को तुरंत हटा देना, बर्खास्त कर देना चाहिए। ये राज्यपाल जो है अपील कर सकती है, जिस तरह से संविधान में है वर्णन कि राज्यपाल इस पर अपील कर सकती है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया हो, तो उसके लिए अपील करेंगे वो राष्ट्रपति, इनको बर्खास्त कर सकते हैं। और इनके सदस्यों पर, और इनके सदस्यों को तो ये जेएनएन सरकार ने जिस तरह से कार्यालय बना दिया है, सात जितने भी सदस्य बने हैं, कोई जेएनएन के हैं, कोई कांग्रेस के हैं, कोई आरजेडी के हैं, इस तरह से जेपीएससी अब जेपीएससी नहीं रहा, ये राजनीतिक मंच बन गया है, ये राजनीतिक कार्यालय बन गया है।